अपना ब्राउज़र ओपन करें, लिखिए ब्लू स्टैक्स, सी ऑल वर्जन्स पे जाना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नॉगट 32 बिट डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मेरा लॉन्च का ऑप्शन आ रहा है। आपका इंस्टॉल आएगा, स्टार्ट होने के बाद सेटिंग में जाए, परफॉर्मेंस पे आपका जितना है उतना 4 कोर सिलेक्ट कर सकते हो या आप कस्टम करके मैक्सिमम भी ले सकते हो। मेमोरी को 4 हाईएस्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस मोड पे रखें, ये अनटिक होगा आपका, ये दोनों ये टिक करके 240 FPS कर दें, इसको भी अनेबल कर दें ताकि आपको इन गेम फ्रेम FPS दिखे। डिस्प्ले पे जाना है, आपका रिजोल्यूशन चूज़ करें, DPI को 240 रहने देना है, कर्जर जो आपको जो पसंद है वो कर दे, सेव चेंज करो, रिस्टार्ट करो, ग्राफिक्स में आ जाना है, परफॉर्मेंस पे जाना है, ओपल जी एल ही रहने दो, ऑटो ही रहने दो, हार्डवेयर डिकोडिंग पे GPU इन यूज़ पे टिक करके रखो। अगर आपका नहीं है GPU तो ऑफ रखे इसको, गेम सेटिंग में जाए, इसको ऐसे ही रहने देना है। डिवाइस मैक आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर ले, सेव चेंज रिस्टार्ट, गेमपैड में आके ये दोनों ऑन रहना चाहिए, परफॉर्मेंस में जाके ये सब डिसेबल कर दें, ये नहीं करना है आपको, ये सब डिसेबल कर देने। और अगर आपको डिस्कॉर्ड RPC चाहिए, आपके फ्रेंड को देखे कि आप ब्लू स्टैक पिक भी BGMI PUBG खेल रहे हो एक्टिविटी, तो इसको ऑन रखें, बाकी ऑफ रखें। फ़ोन पे आ जाना है, इसको रखेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 90 FPS के लिए, रिस्टार्ट करें। शॉर्टकट को फुल स्क्रीन को छोड़ के सबको रिमूव करना है आपको। बैकस्पेस दबाना है सब कुछ रिमूव करने के लिए, एक एक सिलेक्ट करके। सेव करें, हर रोज़ आपको चेक करते रहना है कि आप लेटेस्ट वर्जन पे हो। अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे इंस्टॉलेड नहीं हो तो आपको 1 डे का बैन आ सकता है मेन ID पे। बाकी 240 FPS पे आप खेल सकते हो, कोई बैन का इश्यू नहीं है। गेम ओपन करना है आपको सबसे पहले, ये थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में। आप अपना जो भी ID लॉगिन है कर लो उसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, कस्टमाइज बटन पे, कस्टमाइज में ये सब मैं रीसेट कर रहा हूँ, ये बटन को आपको करना है हाइड एंड डिसेबल, ये बटन को छोटा कर देना है, इसको भी कैंसिल के बटन को भी छोटा करें, इसको भी छोटा कर दो, इसको भी छोटा रखो, इसके ऊपर लाके रख दो। आपको जो भी ऐप का काम करेगा उसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर लेना है, आपको दिक्कत ना हो इससे। ट्रांसपेरेंसी अभी फुल रखेंगे, बटन साइज को लो करेंगे, बैक का तो रहने दो ताकि पता चले स्पेस कितना है, हो गया ये उसके ऊपर रहे ताकि FG से दोनों काम करें। वही सेव करना है, इसका की मैपिंग खोल लेना है क्या, ब्लू स्टैक का राइट कॉर्नर से कीबोर्ड से कंट्रोल एडिटर 2K में जाके इधर कंट्रोल दबाना है, ये जॉयस्टिक को ऊपर ला देना है इसके ऊपर, ये दोनों इधर ही रहेगा, Z इधर आएगा, C क्राउच इधर आएगा, रीलोड पे आएगा, ये शिफ्ट को कैंसिल कर दो ज़रूरत नहीं है, F को G को F एक और इधर आएगा, V F E V T P पे आएगा, टैप इन्वेंटरी आएगा, 4 नंबर पे ग्रेनेड, 3 नंबर पे गन, ऑटो सिंगल वे B, ये फर्स्ट गन होगा, ये सेकंड गन होगा आपका, और ये इसको 8 कर दो ताकि फर्स्ट एड है गेम लूप पे 8 का, इसके लिए ये F हटा दो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टर को फ्री लुक पे देंगे, इधर देंगे इज इक्वल टू
ऑटो रन के लिए राइट क्लिक जाएगा, स्कोप के ऊपर स्पेस जाएगा, जंप के ऊपर F4 डिसेबल है, एंटर भी कैंसिल है, F2 भी कैंसिल, F3 भी कैंसिल, T भी कैंसिल, P भी कैंसिल। इसके ऊपर ESC रख, नहीं चलेगा इसका, इधर M होना चाहिए और इधर आपका माउस का जो भी कस्टम बटन है वो लगा सकते हो आप, जैसे मेरा X बटन वन है। इसको सेव करना है, कैंसिल करना है, अभी सेव करना है, इन सब का ट्रांसपेरेंसी लो कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर ना दिखे ताकि ये सब, इसको भी बंद करेंगे, इसका ज़रूरत नहीं तो कर लो, साइज छोटा कर लो इसका, तो ट्रांसपेरेंसी लो जाएगा, इसका भी लो जाएगा। सेव एग्जिट, अभी व्हीकल में कस्टमाइज करेंगे, की मैपिंग ऑन करो, क्यू जहाँ पे वहाँ पे डाउन का, ई है जहाँ पे अप का, बाकी का सब आपके हिसाब से कर लो। जैसे मैं राइट क्लिक से बूस्ट का ऑप्शन रख रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी लो करके, स्पेस से मेरा ब्रेक है, और फर्स्ट क्लिक से मेरा हॉर्न बजेगा, तो मैं उस हिसाब से सेट कर लिया हूँ। सेव करना है, व्हीकल म्यूजिक को डिजेबल करना है, इधर कैरेक्टर पर आके वापस कस्टमाइज करना है, सॉरी उसके पहले कंट्रोल में जाके पी कैन फायर का अनेबल कर लेना है। मैं इसको होल्ड पे चलाता हूँ, आप भी होल्ड पे कर सकते हो, आपका चॉइस है। फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, यानी कि आप एटेक्स ओपन करते हो तो अप डाउन होगा उसका, ये कस्टमाइज बटन करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे, ई पे लाएंगे, इसका साइज छोटा करके क्यू पे लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी दोनों का 0 रहेगा। सेव एग्जिट, अभी चीर पार्क डाउनलोड करो आप, ट्रांसपेरेंसी इसका लो कर देना है, वेट कर लो जब तक चीर पार्क मेरा डाउनलोड हो जाता है। यूआई को आपके अपने हिसाब से लगा लो, मास्टर को, स्पीकर को, टीममेट की आवाज़ आई है, आप जितना चाहो रख सकते हो। इफेक्ट में मैं येल्लो यूज़ करता हूँ, आप अपनी चॉइस रखिए। ग्राफिक्स में स्मूथ 90 FPS, कलरफुल, और ये वाला सेम लॉबी में भी वही करना। ओके किया, पार जाएंगे, अभी आपका कैरेक्टर सही से नहीं दौड़ेगा, आपको जाना है सेटिंग में, एडवांस में स्प्रिन सेंसिटिविटी को 100 कर देना है, वो फूल दौड़ रहा है अभी बंदा, इसमें आके अपना गन ले और जो भी आपका सिलेक्शन है ये सही से काम कर रहा है, सेंसिटिविटी आपका। मैं कीबोर्ड माउस से खेलता हूँ, माउस से मैं ट्रैक करके खेलता हूँ, तो मेरा सब इतना है, जायरोस्कोप ऑफ है, सब कुछ चेक कर ले, सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्राउड भी काम कर रहा है, पीक भी काम कर रहा है, मैं ट्रांसपेरेंसी काम कर दूंगा। अभी FPS काम कर रहा है सही से, वो भी ट्राई करेंगे, कैंसिल करना है, इसके सेटिंग में जाके इसको 0 कर देना है, सेव करो, करो इससे क्या होता है मुझे भी नहीं पता, चीगल का वो जाता रहता है,
जॉयस्टिक का हम 1000 करने के मूवमेंट्स की।